सिलाई सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द। हेलो फ्रेंड्स, सिलाई सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज मैं आपको बताऊंगी हुक लगाना। तब हम ब्लाउज़ में हुक लगाते हैं तो हुक जो है हमारे लूज़ हो जाते हैं। लूज़ ना हो इस तरीके से हम हुक को लगाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी, जिसमें हम आई भी लगाएंगे। आई में रेडीमेड, ये देखिए आप इस तरीके की भी आई लगा सकते हैं, और रेडीमेड आई सुई धागे से भी बनाकर आप आई को बना सकते हैं। और चिट बटन हम लगाएंगे, और जिसमें हम बटन भी लगाएंगे। बटन लगाने का एक परफेक्ट तरीका बताऊंगी कि हम बटन को कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सुई में हम धागा लेंगे। नॉर्मली ये मैंने धागा लिया है, इस धागे को मैंने डबल किया है और यहाँ पर मैंने नॉट नहीं लगाई है। ये देखिए, इस तरीके से हमारा लूप जो है वो बन जाएगा। ये देखिए, ऐसा आपने धागा डालना है और उसके बाद हमने कपड़े को फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से। तब हम हुक, आई, बटन जो भी कुछ लगाते हैं तो उसमें हमारा कपड़ा हमेशा डबल ही होता है, तब हम इसको लगाते हैं। तो मैंने कपड़े को डबल कर इसको ऐसे किया और अब हम इसमें ये देखिए हुक लगाएंगे। जहाँ पर भी आपने हुक लगाना है आप निशान लगाएंगे हुक का और उसको इस तरीके से सेट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, और इसको यहाँ से पकड़ कर रखेंगे। ये देखिए, इसको हमने यहाँ से पकड़ा और उसके बाद अब हम यहाँ से इसको यहाँ से शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे, और ये जो हमारा लूप है इसके अंदर से हमने इसको ऐसे लेना है। ये देखिए ऐसे, अब यहाँ से हमने इतना गैप लिया तो सेम गैप हमने इसी तरीके से ऐसे लेना है। और ये जो यहाँ पर हमारा डबल धागा, इसको इस तरीके से ऐसे लेंगे और इसको हमने अपनी साइड में ऐसे खींचना है। ये देखिए ऐसे, फिर सेम ऐसे ही करना है, इतना ही गैप लेना है जितना हमने पहले लिया था। इसको लेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसको ऐसे लिया, फिर ऐसे, और इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे। और ये देखिए, मैं आपको जूम कर दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमारा गैप इतना है, तो इतना ही गैप जो है वो आप लेते जाएंगे। ये देखिए ऐसे करेंगे और यहाँ से ऐसे, इस वाले धागे को हमने गोल घुमाएंगे और फिर इसको हमने ये ऐसे खींचना है। ये देखिए, फिर रिपीट करेंगे इसी तरीके से। ये देखिए ऐसे, धागे को हम गोल घुमाएंगे और ये देखिए, इसको आपने पकड़ कर रखना है यहाँ से, और सेम ऐसे ही इतना ही डिस्टेंस जो है आप लेते जाएंगे गोलाई में और इसको लगाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे लेंगे, फिर इस धागे को आपने घुमाना है, ये वाला धागा। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, देखिए यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक स्टिच हमारा यहाँ पर और है गैप, इसमें हम ऐसे लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा देखिए यहाँ पर पूरा लग गया है। फिर अब इसी धागे से हम इसमें, इसी वाले धागे में से ही हम आगे करेंगे और इसको ऐसे घुमाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से अगर आप हुक लगाएंगे तो आपका हुक जो है वो कभी भी लूज नहीं होगा। ये देखिए, और परफेक्ट तरीके से आपका जो है हुक ये लगेगा। और हमेशा हुक जो है आपने गोलाई से शुरू करना है। ये देखिए, जहाँ से हमारा राउंड शेप है यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ताकि हम हुक को आसानी से ऊपर से पकड़ सके और यहाँ पर हमारे स्टिच जो है सही तरीके से आ सके। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे ही करते हुए आपने इसको पूरा करना है। अब यहाँ से हम यहाँ से नीचे से ऐसे लेंगे और यहाँ पर लेकर आएंगे। ये देखिए, यहाँ पर इसको यहाँ पर लेकर आना है, ये ऐसे, और इसको धागे को ऐसे लेंगे। अब इसको हम धागे को इस तरफ अंदर की साइड से ऐसे ले लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे, और आप इसको ऐसे लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ से आप इसको ऐसे लेंगे, ये ऐसे, फिर वापस ऐसे इसके अंदर से लेंगे, ये ऐसे लेंगे, और यहाँ से इस तरीके से ऐसे ले। ये देखिए, आप इसको ऐसे भी फिट कर सकते हैं, ये ऐसे लेंगे इसके बीच में से, और ये ऐसे, इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप इसको, और ऐसे भी लगा सकते हैं। ये देखिए, ऐसे लेंगे इसको अंदर से और इसके बीच में से, इसके बीच में से लेंगे और इसके, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, फिर ऐसे ही लेंगे
और इसके बीच में से लेंगे ये ऐसे और यहाँ से, फिर ऐसे ही यहाँ से लेंगे, दूसरी साइड से निकालेंगे और इस धागे को आपने ऐसे बीच में से लेना है, ये देखिए ऐसे, और अब इसके बीच में से ये देखिए जैसा हमने यहाँ पर बनाया सेम ऐसा ही इसके साथ साथ बनता जाएगा। ये देखिए ऐसे लेंगे और इसके यहाँ पर निकाला हमने धागे को ये ऐसे, ये देखिए इसके बीच में से ये निकाला ये ऐसे यहाँ से, और अब इसके बीच में से ये देखिए ऐसे। इस तरीके से अगर आप लगाएंगे तो हुक जो है आपका यहाँ से बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा। जो मैंने पहले स्टिच बताया इसका तो वो जो है वो आपका लूज़ हो जाएगा, लेकिन ये वाला आपका हुक जो है बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा। तो आप इस तरीके से हुक को आप लगा सकते हैं आसान। ये देखिए अब लगाएंगे हम चिट बटन, चिट बटन को आप खोलेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। ये इनकी होल में जो है अब हम स्टिच करेंगे, ये देखिए इसको हम ऐसे रखेंगे और इसको हम ऐसे इस तरीके से पकड़ लेंगे। अगर आप नॉट लगाते हैं धागे में तो आप इसको नीचे से लेंगे, अगर आपने नॉट नहीं लगाई है और इस तरीके से आप लूप बनाते हैं तो आप इसको ऊपर से ही आप इसको स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे करेंगे और इसके बीच में से ये देखिए, फिर ऐसे ही सेम करना है जैसे हमने हुक लगाया था, इसको घुमाएंगे धागे को और ये ऐसे देखिए। तो यहाँ पर हमने आप दो स्टिच लिए, यहाँ पर हमारे ये देखिए इस तरीके से, और ये तीन स्टिच हो गए हैं हमारे, और अब यहाँ पर हम चार, ये देखिए फोर्थ स्टिच हमने यहाँ पर करे हैं। तो ऐसे ही फोर्थ स्टिच हम यहाँ पर भी करेंगे, तो ये देखिए सेम ऐसे ही, या तो आप धागे को इस तरीके से जैसे मैं ऐसे ले रही हूँ ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर धागे को आप इस तरीके से ले सकते हैं फिनिशिंग के साथ। तो ये धागा जो है आप अंदर की साइड से लेंगे, ये देखिए ऐसे अंदर से धागे को लेंगे, ये देखिए ऐसे, और अब हम यहाँ से ऐसे स्टिच करेंगे, ये देखिए ऐसे करेंगे फिर ये ऐसे, डिस्टेंस आपने उतना ही लेना है जितना आपने पहले लिया। ये देखिए दो स्टिच मैंने लिए यहाँ पर, ये तीसरा स्टिच है हमारा, और ये देखिए ये हमारा चौथा स्टिच है। ये देखिए इस तरीके से लगेगा, जूम कर कर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सेम ऐसे ही लगाना है जैसे हमने हुक लगाया। ये देखिए फोर स्टिच हमने यहाँ लिए, ऐसे ही फोर स्टिच आपने यहाँ पर लेने हैं, और ऐसे ही फोर स्टिच यहाँ पर और यहाँ पर, इसी तरीके से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। देखिए इसे हमने कंप्लीट कर लिया है, कितनी फिनिशिंग के साथ ये लगा है, आप इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। लास्ट में इसका ये लूज़ ना हो धागे तो हमने क्या करना है, पीछे बैक साइड से आपने इस तरीके से स्टिच करना है धागे को आगे कर कर, ये देखिए इस तरीके से स्टिच करना। अगर आप धागे को ऐसे ही, ये देखिए इस तरीके से ऐसे ही स्टिच करेंगे तो ये धागा हमारा लूज़ हो जाता है, और जहाँ से हमारी ये स्टिच जो आगे से खुलने लग जाते हैं, हमने ऐसे ही इसको, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको ऐसे फिनिश करना है धागे को आगे कर कर, और ऐसे एक दो बार आप इसको इसी तरीके से ही फिनिश करेंगे ये ऐसे कर कर, और फिर हम अपने धागे को कट कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है, ये देखिए ये लग चुका है कितनी फिनिशिंग के साथ। इस तरीके से आप जो है चिट बटन को लगा सकते हैं। ये देखिए अब चिट बटन के हम दूसरे पीस को लगाएंगे, इसको भी हम इसी तरीके से रखेंगे, स्टिच हमारा सेम ऐसे ही लगेगा। ये देखिए अब मैंने इसमें नॉट लगाई है, ये देखिए मैंने धागे में नॉट लगाई है, ये तो हमने धागे को नीचे से लेना है। ये देखिए किसी भी हॉल में आप इस तरीके से लेंगे और ये ऐसे आप इसको स्टिच करेंगे, फिर सेम ऐसे ही करना है जैसे हमने पहले स्टिच किया। ये देखिए इसी तरीके से गोल घुमाएंगे और इसको हम ऐसे लगाएंगे, डिस्टेंस आपने सेम रखना है, और फोर स्टिच हमने उसमें ली हैं तो फोर स्टिच ही हमने इसमें लेने हैं। ये टू स्टिच हमारे हो गए हैं यहाँ से, ये देखिए ये थ्री और ये यहाँ पर फोर स्टिच, ये दोनों में स्टिच जो है आपने सेम रखने हैं, तभी फिनिशिंग के साथ ये लगेगा। तो अब ये पूरा होने के बाद ये देखिए हमारा ये लगकर इस तरीके से परफेक्ट लगेगा। तो मैं ये कंप्लीट कर कर आपको दिखा, देखिए इसे हमने कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये लगा है। अब हम बटन लगाएंगे, बटन आप छोटा लगाएं या आप बड़ा लगाएं, लगाने का तरीका सेम रहेगा,
मैं बड़ा बटन आपको लगा कर दिखाऊंगी जो आपको क्लियर दिखाई देगा। ये देखिए, इस तरीके से आप बटन को रखेंगे और ऐसे पकड़ेंगे। आप स्टिच कोई भी कर सकते हैं, क्रॉस में भी कर सकते हैं, इस तरीके से स्ट्रेट भी कर सकते हैं। जो भी आप स्टिच करना चाहें वो आप इसमें स्टिच कर सकते हैं। धागे में हमने नॉट लगाई है, ये देखिए, और इसको हम नीचे से लेंगे इस तरीके से, ये देखिए। अब आप कहेंगे ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल ही लगेगा, लेकिन लास्ट में फिनिशिंग के लिए हमने इसमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, आप जितने भी स्टिच लेना चाहें आप इसमें ले सकते हैं, 4-5 जितने भी आप स्टिच इसमें लेना चाहते हैं वो आप स्टिच इसमें लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा एक यहाँ पर होल कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वाले में करेंगे, ये देखिए, इस तरीके से। आपने धागे को ना ज़्यादा लूज़ करना है और ना ही इसमें ज़्यादा धागे को टाइट करना है। हमारा कपड़ा खींचे नहीं, इसका ध्यान रखना है आपने। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा बटन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपने इतना जो है इस तरीके से करना। अब उसके बाद क्या करना है, इस बटन को हम हल्का सा इस तरीके से ऐसे करेंगे, ये देखिए ऐसे, और नीचे से हम निडल को ये यहाँ से ऐसे लेंगे, ये देखिए ऐसे लेंगे, और इस निडल को हम यहाँ से इस तरह यहाँ पर निकालेंगे, ये देखिए ऐसे कर कर। और अब इसको हम ऐसे करेंगे, बटन को हम ऐसे करेंगे, और इस तरीके से हम इसको आगे की तरफ हम प्रेस करेंगे, ये ऐसे कर कर, ये देखिए ऐसे करेंगे, और इसको ऐसे करेंगे, और इसको यहाँ पर कपड़े को हम टाइट करेंगे। धागे को हमने, ये देखिए, इस तरीके से राउंड में घुमाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये देखिए इस तरीके से हमने घुमाना है। तो हमारा बटन जो है ये उठा हुआ ऐसे लगेगा, और तब हम बटन को लगाएंगे तो हमारा कपड़ा जो है वो खींचेगा नहीं, और ना, ये देखिए इस तरीके से आपने इसको घुमाना है। और अब हम इसको नीचे की ले जाएंगे। बस बटन लगाने में ये होता है, यही आपने करना है। तो अब ये आपने कर लेंगे तो आपका बटन जो है बहुत ही आसानी से लग जाएगा और परफेक्ट लगेगा। ये देखिए, यहाँ से इसको पक्का हमने ऐसे ही करना है। धागे को ऐसे लेंगे और इस तरीके से घुमाएंगे, ये इस तरीके, ये देखिए, तो हमारा बटन जो है इस तरीके से आसानी से लग जाएगा और परफेक्ट लगेगा। बस लगाने का तरीका सेम, ये तो बहुत इजी है। उसके बाद जो ये वाला हम राउंड घुमाते हैं, ये सभी को नहीं पता होता कि कैसे करते हैं। तो बटन को आपने, सॉरी, धागे को आपने इसी तरीके से राउंड करेंगे तो आपका जो है ये बटन आसानी से लग जाएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हम बनाएंगे आई। सुई और धागे से आई हम कैसे बनाएंगे, ये देखिए, नीचे से हम इसको इस तरीके से लेंगे, ये देखिए ऐसे, और ये इस तरह, और इसको हम इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब हमने कितना इसमें डिस्टेंस रखना है वो डिस्टेंस आप रखेंगे। ये देखिए, मैं थोड़ा बड़ा इसमें डिस्टेंस रख लूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ये देखिए ऐसे ऐसे करेंगे, फिर ऐसे, ये देखिए ऐसे। मैंने डबल लेयर लिया, आप इसमें 4 लेयर भी धागे की आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से आप उसको करेंगे। ये देखिए, अब ये यहाँ से धागे को हम आगे घुमाएंगे, और ये ऐसे, और यहाँ से हम, ये देखिए ऐसे, फिर धागे को गोल घुमाएंगे, यहाँ से निकालेंगे बीच में से, और एक साइड में ऐसे करेंगे। हमारा स्टिच जो है, जो हम धागे को खींच रहे हैं, वो हमारे एक के ऊपर एक स्टिच ना आए, आगे बढ़ता रहे ये स्टिच। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी इसको, ये देखिए, ये ऐसे जाएगा तो ये स्टिच हमारा यहाँ पर आएगा। फिर धागे को गोल घुमाएंगे हम, ये देखिए ऐसे ही धागे को गोल घुमाते जाएंगे, और आपका स्टिच ये बनता जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, ये यहाँ पर ये इस तरीके से बनेगा, जो मैं आपको यहाँ पर पूरा कर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखाई। फ्रेंड्स, आई को बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से आपने आई को बनाना है, और इसको हुक में हमने इस तरीके से एडजस्ट करना है। ये देखिए, ये देखिए,
और रेडीमेड जो आई है वो भी आपने सेम ऐसे ही लगानी है जैसे हमने हुक में स्टिच किया था, सेम ऐसे ही। फोर स्टिच अगर हम यहाँ करेंगे तो फोर ही हमने यहाँ करने, फाइव करेंगे तो फाइव ही करने हैं, ताकि ये फिनिशिंग के साथ दिखाई दे। और इतना ही इसमें डिस्टेंस लेना है जितना हमने यहाँ पर लिया, तो उतना ही सेम डिस्टेंस जो है आप इसमें लेते चले जाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ आप लगा पाएंगे इसको, ये देखिए। और ये जो है स्टिच लूज भी नहीं होते इस तरीके से लगाएंगे तो। और ये यहाँ पर बीच में जो आपने स्टिच जब फिनिश करेंगे तो धागे को गोल घुमाकर ही आपने इसको फिनिश करना है, तो ये लूज़ नहीं होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।